ਅਦਰੁਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 84:9-10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੈ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ
अते एकता दे नाल भरपूर करेगा। उस प्रभु यीशु दा स्वागत करन तो पहला सानू तब्दीली दी जरूरत है, परिवर्तन दी जरूरत है। संत पलूस कुरिन्थी दी विश्वास संगत नूं पत्र विच कहिंदे हन, जेकर असी पाप दी हालत दे विच प्रभु यीशु नूं स्वीकार करांगे तां असी उस दा अपमान करांगे। इस कर प्रभु यीशु दा स्वागत करन तो पहला असी सानू तब्दीली दी जरूरत है, अपने मन अते तन नूं साफ करन दी जरूरत है। अपने विच जो भी मैल है, गुस्सा है, गिला है, शिकवा है, उन्हों कढ़न दी लोड़ है। तद ही असी प्रभु यीशु नूं योग रीति नाल स्वीकार कर सकांगे। तां इस पाक मास दी कुरबानी नूं चढ़ाउण तो पहला सोचिए, विचारीए ते जो भी गुनाह जाने जाने कीते ने सच्चे दिल तौबा करके माफ़ी मंगीए। मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा, मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा, ते सारे पैणा प्रावा दे अगे मैं एक बाल करदा। कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे ते साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू उसदी वी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ रब्बा दया
आए रबा दया कर जे
बट आई महिमा होवे खुदारी धरती उते एक नियत दुकान विच शादी असी प्रार्थना करिए हाय खुदा अपने प्यार करन वाले आली तू अंडिटियां बरकतां तैयार कीतियां हन साढ़े अंदर अपने प्यार दी मिठास नूं भर दे तां जो तेनू हर गल विच अते सारियां चीज़ां नालों भी ज़्यादा प्यार करदे होए असी तेरे वलों वायदा कीतियां बरकतां नूं पा सकीए जो साढ़ियां सारियां इच्छावां तों परे हन साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही जो तेरे नाल रूप आग दी एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीक आमीन। पाठ पहला सन पौलुस दा ग्रंथियस दी विश्वास संगत नूं पहला पत्र उसका एक बाप 17-25 है तक। मसीह ने मैनूं बपतिस्मा देण दे लई नहीं कल्या सगो शुभ समाचार दे प्रचार लई कल्या। उसने कल्या है कि मैं बिना मनुखी ज्ञान अते भाषा दे सहारे प्रचार करा तां जो मसीह दी शक्ति व्यर्थ ना हो जावे। मसीह दी सलीब दा संदेश उन्हां दे लई जो बर्बादी दी राह ते हन मूर्खता है, पर साडे लई जो मुक्ति दी राह ते है ओह परमेश्वर दी शक्ति है। धर्म ग्रंथ विच इस बारे लिख्या है, मैं बुद्धिमाना दी बुद्धि नूं बर्बाद कर देवांगा अते चतरां दी चतराई नूं व्यर्थ कर देवांगा। इसलिए किथे हन इस संसार दे बुद्धिमान, किथे हन धर्म ग्रंथी अते किथे हन तर्कवादी? कि परमेश्वर ने इस संसार दी बुद्धि नूं मूर्खता सिद्ध नहीं कीता है? जदों परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दे द्वारा देखिया कि संसार अपनी अकल दे सहारे उस नूं नहीं जान सकिया तो उसनों ये चंगा लगा कि वह साढ़े मूर्खता परे संदेश के राही उन्होंने बचावे जो विश्वास करते हैं। यहूदी सबूत के तौर पर चमत्कार चाहते हैं अते जनानी बुद्धि, पर असी सलीब दिते हुए मसीह का प्रचार करते हाँ जो यहूदियों के लिए ठोकर है अते दूजिया कौमों के लिए मूर्खता। पर उन्होंने लिए जिन्होंने परमेश्वर ने सद्या है वह चाहे यहूदी हो जनानी, मसीह परमेश्वर की शक्ति अति बुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुख तो अधिक बुद्धिमान है अते परमेश्वर की कमजोरी मनुख तो अधिक शक्तिमान है। ये प्रभु की पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। कुछ न हो बड़े में वैरी मेरे ते, होवण मेरे वैरी मेरे दे, कुछ ना होवण मेरे वैरी
फुलन वेक मैं हा एक पया ओ न फुलन वेक मैं हा पया मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा दुख है सामने दुख है सामने मैं हडी गण वाला दुख है सामने चर्म दे नल अपने मन दा अगुना चर्म दे नल अपने मन दा अगुना मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा आसरा मेरा है तू ही है खुदा आसरा मेरा है तू ही है खुदा हालेलुया 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 घर घर जाओ अंजे सुनाओ कौमा दे बिचे ओदा नाम बैलाओ घर घर जाओ अंजी सुनाओ कौमा दे बिचे ओदा नाम बैलाओ हालेलुया 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 प्रभु तुआडे नाल होवे अते तुआडी रू नाल भी होवे पाठ पवित्र अंजील संत मती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु स्वर्ग राज उन्हां दस कुआरियां वांग होवेगा जो आपो अपना दीवा लैके लाड़े नूं मिलन लई निकलियां हन इन्हां विचों पांच मूर्ख सन अते पांच होशियार मूर्खां ने आपो अपना दीवा तां लिया पर उन्हां ने अपने नाल कोई तेल ना लिया पर होशियारां ने आपो अपने दीवियां दे नाल कुप्पियां विच तेल भी लै लिया जदों लाड़े दे आउण विच देर होई तां उह सारियां उगलाउण लगियां अदे सो गई प्रति रात नूं हौका दिता गया वेखो लाड़ा आ गया है उसनों मिलन ले आओ तदो सारिया कुआरियां उठिया ते उन्होंने अपने दिवे बत्तियां सवारिया अदे मूर्ख कुआरियां ने हुशियारा नूं कहा अपने तेल विचों थोड़ा सानू दे दियो क्योंकि साढ़े दिवे बुझ रहे हैं पर हुशियारा ने उत्तर दिता शायद ये तेल साढ़े लई अदे तुहाड़े लई काफ़ी ना होवे बेहतर यह है कि
कि तुसी वेचन वालियां कोल जाके अपने लिए मुल लै लवो। जदों खरीदन गईयां सन तां लाड़ा आ गया अते जेड़ियां तैयार सन वह लाड़े दे नाल व्याह भोज दे लई अंदर लंघ गईयां अते बूहा बंद हो गया। मगरों दूजियां कुआरियां भी आ पहुंचियां अते कहन लगियां प्रभु प्रभु साडे लई बूहा खोलो। पर उसने अंदरों उत्तर दिता मैं तुहानूं सच्ची कहिंदा हाँ मैं तुहानूं नहीं जानता, इसलिए चौकस रहो क्योंकि तुसी ना तो उस दिन नूं जानते हो ना उस घड़ी नूं जदों मनुख का पुत्र आउण वाला है। यह प्रभु की पवित्र अंशील है। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भाओ भैणों ते बच्चियो अज दी अंजील दे विच सानू जागदे रहण दा संदेश दिंदा है, अलर्ट रहण दा संदेश दिंदा है। सारा नज़ारा एक विआह दा है। दस कुवारियां लाड़े दे नाल विआह विच जाण दे लई तैयार सन पर लाड़ा बहुत देरी नाल आया अते दसे कुवारियां सौ गईयां। अधी रात नूं लाड़ा आ गया जो कि दिन जा रात दे किसे भी समय यीशु दे आउण दा संकेत सी। कुवारियां ने सोचा होएगा कि लाड़ा बहुत लेट हो जाएगा, उन्होंने इस बारे सोचा भी नहीं होएगा, पर वो कुको कुक सौ गईयां। पांच कुवारियां समझदार सन, इंटैलीजेंट सन, वो पूरी अपनी यात्रा दी विआह विच जान दी पूरी तैयारी करके आईया सन। अदे उन्होंने अपने नाल कुप्पियां दे विच तेल भी एक्सट्रा लियांदा सी क्योंकि पूरी तरह लाड़े दे नाल हाल दे विच जान लई तैयार होके आईया सन। पर दूसरिया पंच जो मूर्ख सन उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी सी, कोई तैयारी नहीं की थी सी। वो अपने नाल वक्रा तेल नहीं लैके आईया सन। लाड़े दे आउण दे विच जदों देर हो जाती है दसे सौ जांदियां हन परवाज आउंदी है कि लाड़ा आ रहा है, तो जो पंज जड़िया पंज सियाणियां सन दवा दा बुटियां तैयार होईयां अपने दिव्या विच तेल पाया जगा के लाड़े नूं मिलण दे वास्ते अगे निकल गईयां। ते जड़ियां सुतियां जड़ियां मूर्ख सन वह भी लेट उठियां ते कहिंदे सानूं भी थोड़ा तेल दिओ, पर सियाणियां कहिंदियां साडे कोल सिर्फ अपने वास्ते है, इस तो चंगा है कि तुसीं जाके खरीद के अपने वास्ते लै आओ, साडे कोल सिर्फ साडे वास्ते ही है। जदों खरीदण वास्ते गईयां लाड़ा आ गया ते जड़ियां सियाणियां सन वो हॉल दे विच लाड़े दे नाल अंदर चले गईयां। जदों मूर्ख तेल लैके आईयां तो दरवाजा बंद हो जाता है, तो ये दरवाजा खड़कौंदियां हन, अंदरों आवाज आउंदी है कि मैं तुहानूं नहीं जानता तुसी कौन हो। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणो वो लाड़ा कौन सी? प्रभु यीशु मसीह सी। जेकर असी भी प्रभु यीशु मसीह नूं पाउणा है, प्रभु यीशु दे दर्शन करने ने उहदे चरणां विच आउणा है, ते सानू भी रूहानी तैयारी दी जरूरत है। सानू भी ओह मूर्ख कुवारिया वांग नहीं बनन दी लोड़। उहनां दे विच कोई सीरियसनैस नहीं सी, उहनां दी कोना ने कोई तैयारी नहीं कीती सी प्रभु यीशु नूं मिलन दी, क्योंकि वह अपने आप नूं चंगी तरह तैयार नहीं कर चुकियां सन। पर जिहड़ियां सियाणियां सन उन्हां दे मन दे अंदर आस सी, उन्हां दे अंदर जोश सी, वह प्रभु यीशु नूं देखना चाहुंदियां सन, उहदे दर्शन करना चाहुंदियां सन, वह यात्रा करन भावें जिन्नी भी मर्जी भी उन्हां नूं यात्रा क्यों ना करनी पवे, वह यात्रा करन वास्ते भी तैयार होके आईयां होईयां सन।
अपने नाल एक्स्ट्रा फालतू तेल भी लैके आईया सन, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर किया सी कि जेकर लोड पई लेट भी हो जावांगी तो असी जरूर प्रभु यीशु मसीह दे दर्शन करांगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन दे राही सानू समझाउंदे हन जदों कि यह स्थिति मूर्खा लई अपनी यात्रा नूं पूरा करन विच रुकावट बनी। ये जड़ी सिचुएशन, ये जड़ी स्थिति अही वेख रहे आ, वो जड़ियां मूर्ख लड़कियां सन उन्हां दे वास्ते एक रुकावट बन गई। पंज जिन्हां ने समझदारी दे नाल काम कीता उन्होंने मूर्ख कुआरियां दी कोई भी जिम्मेदारी लैण दी कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत बहनो, असी प्रभु यीशु नूं पाउण दे लई, प्रभु यीशु दे दर्शन करन दे लई, प्रभु यीशु नूं अनुभव करन दे लई किन्नी तैयारी दी मैनूं जरूरत है, किन्नी तैयारी दी मैनूं लोड़ है। सचमुच सानूं लोड़ है कुछ ना कुछ पाउण दे लई, कुछ ना कुछ गवाउण दी जरूरत है। नेचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा। जेकर असी विश्वास करदे हाँ ते जो चाहिए हो सकदा सी। वो पंज मूर्ख भी प्रभु यीशु नूं वेख सकदियां सन, पर उन्होंने कोई भी मुश्किल का सामना करन वास्ते तैयार नहीं सन। मती दी अंजील 25 बाब 13 दे विच प्रभु यीशु कहिंदे हन, इस लई चौकस रहो क्योंकि तुसी ना तां उस दिन नूं जानदे हो अते ना उस घड़ी नूं जदों मनुख दा पुत्र आउण वाला है। जागदे रह, सानू सारियां नूं जागदे रहन दी लोड़ है, तैयार होण दी लोड़ है। प्रभु यीशु मसीह किसे भी समय आ सकदा है। जेकर घर दे मालक नूं पता होवे कि चोर ने अज सन लाउणी है ते जरूर अपने घर दा बंदोबस्त करेगा, अपने आंढी गुआंढी नूं दसेगा, पंचायत नूं दसेगा, सरपंच नूं दसेगा, पुलिस नूं इनफॉर्म करेगा कि मेरे घर अज आके चोर ने चोरी करनी है। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रभु, चोर कदे भी दस के चोरी करदा बिल्कुल नहीं। इस करके प्रभु यीशु मसीह कहिंदे ने जागदे रहो, तैयार रहो। तुहानूं नहीं पता वो कड़ी, वो टाइम, वो समा साडे उत्ते कदों आ जाना है। पर ये जान लवो कि जेकर घर दा मालक जानदा तो जरूर वो बंदोबस्त करदा। परंतु भाओ चोर कदे भी दस के सन नहीं लाउंदा। इस करके प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भाओ ते भैणो, अज इस वचन दे राही प्रभु यीशु सानू समझाउणा चाहुंदे हन, सानू दसना चाहुंदे हन। बहुत वारी प्रभु यीशु मसीह दस चुके हन ते अज भी दस रहे हन कि सानू भी अपनी लाइफ ते जिंदगी दे विच जेकर प्रभु यीशु नूं पाउणा है, प्रभु यीशु दे दर्शन करने हन, प्रभु यीशु नूं अनुभव करना है, प्रभु यीशु मसीह नूं महसूस करना है, ते सानू अपना धन अते मन लगाउण दी लोड़ है। असी वचन दे विच सुणांगे संत मती दी अंजील 24 बाब 37 आद विच, जिस तरह नूह दे दिन सन उस तरह मनुख दे पुत्र दा आना होवेगा, क्योंकि ओही दिनी हर तो पहला नूह दी बेड़ी विच दाखल होण दे दिन तक लोग खांदे पींदे रहे, व्याह करदे ते करवाउंदे रहे। जदों तक हड़ नहीं आया उन्हां सारिआं नूं रोड़ के ना लै गया, तद तक लोगां नूं पता नहीं लगा उस तरह मनुख दा पुत्र दा आना होवेगा। उस वेले खेत विच दो आदमी होणगे, एक नूं लै लिया जाएगा ते एक नूं छड़ दिता जाएगा। दो औरतां चक्की पींदियां होणगियां, एक नूं लै लिया जाएगा, एक नूं छड़ दिता जाएगा। इसलिए जागदे रहो क्योंकि तुसी नहीं जानते कि तुहाडा प्रभु किस दिन आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत बहनों, प्रभु यीशु सानू जागण वास्ते अलर्ट होण वास्ते कहिंदा है। असी पंज मूर्ख कुआरियां वांग सुस्त हाँ, जानते हुए भी असी सुस्त हो जाते हाँ। तो अज प्रभु यीशु भैणों ते भराओ मंग कर रहा है कि सानू जागते रहने की लोड़ है, अलर्ट होने की लोड़ है। असी फिर वेखांगे संत मती दी अंजील 24 बाब 45 आयत दे विच लिखिया, ईमानदार ते समझदार सेवक कौन है
जिसनों उसका मालक अपने घर बार दी घर मुख्तियारी दे जाता है कि वह सबना वेले सिर भोजन देवे। धन है वह सेवक जिसनों उसका मालक अपने वापस आने उते उस तरह करते हुए देखता है। मैं तनु सच कहिंदा हाँ उसनु अपने सारी तन संपत्ति दौलत सब कुछ उन्हें हैंड ओवर कर देगा उस उते छड़ देगा। पर जेकर दुष्ट सेवक अपने आप नु कहिंदा हाँ मेरा मालक ने आउण दे विच ढेर कर दिती है अदे वो अपने साथी नौकरां नु कुटेगा मारेगा शराबिया दे नाल खाएगा तो पीएगा जे एक दिन आवेगा जो उसका जरा भी उड़ीक नहीं करता अदे हो जे वगत जिसके बारे उसनु कदी पता नहीं सी अदे उसते टोटे कर देगा अदे उसनु पखंडिया दे नाल सुट देगा जिते लोग रोणगे अदे आप दंद पीणगे। प्रभु यीशु दे राही खुदा भी सानू जिम्मेवारियां सौंपदा है जेकर असी भी वह जिम्मेवारियां नू चंगी तरह नहीं निभावांगे दूर पर जाओ करांगे तो प्रभु यीशु मसीह साढ़े नाल भी ऐसे सेवक दे वांग करेगा वो साढ़े भी टोटे टोटे कर देगा उसनु पखंडिया दे नाल सुट देगा जिथे रोना होगा तो दंदा दा पीना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणो सानू भी वक् वक् तरीके दे वक् वक् टंगा दे राही जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां हन उन्हां जिम्मेवारियां नू असी चंगी तरह निभाउणा है। उदाहरण के तौर पर दस कुवारियां उन्होंने भी जिम्मेवारी मिली सी उन्होंने जिम्मेवारी सी प्रभु येसु नू मिलने दे लई प्रभु येसु दे दर्शन करन दे लई दसे निकलिया पर दसां दे विचों मूर्ख वो अपनी जिम्मेवारी नू भुल गई जो काम उन्होंने सौंपिया सी उन्होंने भुल गई उन्होंने विच सीरियसनैस नहीं सी। इस करके अज प्रभु येसु सानू भी उन्होंने पंज होशियार ते सियाणियां कुवारियां वांग बनन दे लई मैसेज दे रहा है संदेश दे रहा है। इस करके आओ प्रभु येसु मसीह दा इक दा बाप दे अगे प्रार्थना करिए ताकि वह सानू भी शक्ति देवे बल देवे अपनी आत्मा दे नाल भरपूर करे ताकि वे असी उन्हां सियाणियां कुवारियां वांग बन के प्रभु येसु दा हर पल हर समय स्वागत करन दे लई तैयार हो सकीए। बाप अते बेटा ते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। अरे पन
ਤੇ ਬਹਿਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਲਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਭਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਇਤਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਆਸ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਸਗੀ ਦੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਗਣ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ। ਸਰਗਣ 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 ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦਸਤੀ ਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਮਾਨ ਦਾ ਭੇਤ
मसीहा मर गया है, मसीहा जी उठया है, मसीहा मर गया है, मसीहा जी उठया है, मसीहा महिमा दे यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठ की यादगिरी मनाते हुए तेन जीवन की रोटी तो मुक्ति का प्याला चढ़ाते हाँ। अज तेरा धन्यवाद करते हाँ क्यों जो तू सू योग ठहराया कि तेरी जुरी में दाखिल हो गई, तेरी सेवा करिए। असं हलीम इन्हें दुआ करते हाँ मसीह के बदन के लोह में हिस्सा लैन द्वारा रूपाग दी एकता में बजे रही है। आए प्रभु सारी धरती उत्ते फैली अपनी कलीसिया याद कर, आदि साढ़े संत पापा फ्रांसिस, साडे बिशप गिनैलो, बिशप फ्रांको, सारे ब्रोतों नाल प्यार दी सपुरता विच कायम रख। साडे भैन भरावां नूं याद कर जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सौ गए हन, उन्हां सारिआं ते रहम विच मर गए हन, इन्हां दा अपनी जुरी दे चरण विच स्वागत कर। हाए प्रभु असीं बेनती करदे साडे सारिआं उत्ते दया कर, तां जो तन्न कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल, उस कुआरी दे मुबारक संत जोसफ दे नाल, तां रसूलां दे सारे संतां दे नाल जिन्होंने सारे युगों में तेन खुश किया है, स्त्री जीवन के वारसों के हकदार बन जावे, तेरे बेटे इस मसीह के राही तेरी वड्याई अरे उसत करा। उस राही उस दे नाल उस दे विच हाय खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रू पाक की एकता विच सब जलाल ते वड्याई तेरी ही है, सदा तो सदा तीक आमीन। आओ सी सारे मिलके खुदा दा राज आउंदे लई दुआ करिए। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या संत मती दी अंजील सत्त बाप दे विच आख्या, मंगो लभो खड़काओ प्रार्थना दे विच सिरड़ होनी चाहीदी है। कहिंदा मंगो तुहानू दित्ता जाएगा, लभो तुहानू मिलेगा, खड़खड़ो तुहाडे लई बुआ खोलिया जाएगा। हर कोई जो मंगदा पाउंदा है, हर कोई लभदा उहनू लभ पैंदा है, हर कोई जो खड़खड़ाउंदा उहदे वास्ते बुआ खोलिया जांदा है। इस वास्ते जे करोना वायरस की बीमारी दिन ब दिन फैलती जा रही है पूरे संसार के उत्ते, हिंदुस्तान के उत्ते, पंजाब के उत्ते, अब प्रभु यीशु दे अगे अरदास करिए ताकि वह इस दुनिया के विचों दूर हो जाए। बीमारा की चंग्याई, नौजवान तब्दीली के परिवर्तन के वास्ते, बच्चों ने पढ़न लिखन का वरदान, विश्वास की मजबूती के लिए असी प्रभु यीशु मसीह दे अगे अरदास करिए। सिखलाई हुई प्रार्थना मिल के दोहराइए। साडे बाप जेड़ा आसमान ते, साडे बाप जेड़ा आसमान ते, तेरा नाम पाक सदा मनिया जावे, तेरा नाम पाक सदा मनिया जावे। साडे बाप जेड़ा आसमान ते, साडे बाप जेड़ा आसमान ते, तेरा राज आवे होवे तेरी मर्जी, जिस तरह आसमान ते जमीन ते होवे, साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे सब कसूर सानू माफ कर दे, माफ कर दे। आए साडे बाप जेड़ा आसमान ते, आए साडे बाप जेड़ा आसमान ते, जिवें असी अपने घर
कसूर असी माफ कर दे सानू है खुदायज मई बिच सब बुराई तो सानू बचा ऐसा दे बाप जेड़ा आसमान ते ऐसा दे बाप जेड़ा आसमान ते ऐसा दे बाप जेड़ा आसमान ते आए प्रभु सी प्रार्थना कर दे सब बुराइयां तो सानू बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए जे मुबारक उम्मीद रखते हुए यीशु मसीह साडे मुक्ति दाता दे आउण दी उडीक करदे हां क्यों जो राज कुदरत ते पर रब तेरा है सदा तो है सदा टिक रहेगा टिक रहेगा आए प्रभु यीशु मसीह अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा अपनी शांति तुहानूं प्रदान करदा हां तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगो अपने कलीसिया दे मान नूं वेख तुसने अपनी मर्जी मुताबिक शांति एकता प्रदान कर तू जो जीवदा ते राज करता है सदा तो सदा तीक आमीन प्रभु दी शांति सदा तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे आओ असी आपो विच शांति दा सलाम दईए देखो खुदा दा लेला नूं वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है धन हन जिहड़े लेले दे पोज लई सदे गए हन प्रभु मैं इस जोग नहीं प्रभु मैं इस जोग नहीं वे तू मेरी छत थले ਸ਼ਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਐ ਸੰਤੋਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਆਮੀਨ रोटी तो जिंदगी दी यीशु खवाल दे रोटी तो जिंदगी
खेत तेरे आन पे मुर्दे ऐ मसीह ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਅਨਹਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਧਨ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਭੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਕਰ। रहेगा ना सदा टीकर मसीदा, रहेगा ना सदा टीकर मसीदा, रहेगा जा तलक सूर ਜੁਰਗੀ